हेलो गुड इवनिंग लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स के ऊपर और हम कर रहे हैं एसक्यूएल एसक्यूएल में भी कौन से माई सिक्वेल के स्पेसिफिक फंक्शंस ठीक है ये माई सिक्वल फंक्शंस है और हम कर रहे हैं माई सिक्वेल स्ट्रिंग का ही कर चुके हैं केयर लेंथ कर चुके हैं एंड कैरेक्टर अंडर स्कोर लेंथ कर चुके हैं कॉन्केट कर चुके हैं आज करना है concat_ws क्या है फिर से देखते हैं my sql concat_ws फंक्शन है ये क्या करता है देखते हैं इसकी डेफिनेशन सबसे पहले द concat_ws फंक्शन एड्स टू और मोर एक्सप्रेशन टुगेदर विद अ सेपरेटर यहां पे क्या कर रहे थे एक्सप्रेशन को एक साथ लेके आ रहे थे अब बात आ गई कि उसके बीच में सेपरेट कर दे लेकिन किसके साथ बीच में क्या लगा दे एक सेपरेटर लगाना है कुछ भी हो सकता है स्पेस हो सकता है कोई सिंबल हो सकता है कुछ भी ठीक है सिंटेक्स देखो सिंटेक्स यह बोलता है कौन कैट अंडर स्कोर डब्ल्यू एस पैरेंथिस स्टार्ट स्टार्टिंग में ही क्या लिखना है सेपरेटर कोमा लगाएंगे एक्सप्रेशन वन कोमा लगाएंगे एक्सप्रेशन टू कोमा एक्सप्रेशन थ्री कोमा जितने भी एक्सप्रेशन आपको लिखना है कोमा करके लगाते लिखते जाओ और पैरेंथिस बंद ठीक है पैरामीटर वैल्यू देख लो एक बार पैरामीटर में सबसे पहले क्या है सेपरेटर सेपरेटर ठीक है उसके बाद मल्टीपल एक्सप्रेशन ये कितने हैं एक्सप्रेशन कितने भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है कि ये जो सेपरेटर है ये स्पेसिफिक पहले सेपरेटर की बात कर रहे हैं सेपरेटर लगाना जरूरी है अगर आप कॉन्केट अंडर स्कूल डब्ल्यू एस फंक्शन यूज कर रहे हो तो द सेपरेटर टू एड बिटवीन ईच एक्सप्रेशन और ये सेपरेटर इस एक्सप्रेशन के बीच में और इसके भी बीच में यहाँ कहीं लग जाएगा जब लिस्ट आएगी और फिर से ये वाला ये वाला इसके बीच में भी लग जाएगा यहाँ पे होगा एक और पीछे होगा इसके बीच में भी लग जाएगा सेम सेपरेटर जितनी भी एक्सप्रेशन है उनके बीच में लग जाना है जब रिजल्ट आएगा आगे क्या बोल रहा है इस इफ सेपरेटर नल अगर कोई ना कोई मीन्स सेपरेटर की बात कर रहा है अगर सेपरेटर ही अकेला क्या है नल हुआ तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा नल रिटर्न करेगा बात करते हैं एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन भी यहाँ पे जरूरी है खाली नहीं छोड़ सकते ठीक है द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू जो भी हमको एड करना है एन एक्सप्रेशन विद नल वैल्यू विल बी स्किप्ड अगर यहाँ पे क्या है अगर किसी की नल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा स्किप किया जाएगा वो स्किप हो जाएगा अगर एक्सप्रेशन वहां क्या करते हैं अगर गलती से नल है तो पूरा का पूरा क्या हो रहा था नल हो रहा था और यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन अगर नल है बाकी करके देखते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है आगे एग्जाम्पल देखते हैं एक इस बार इसका देखो कॉनकेट अंडर स्कोर एस ये क्या है एक सेपरेटर है ये एक्सप्रेशन वन है एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन थ्री एक्सप्रेशन फोर और ये हमारा एज ए कॉलम का नाम आ गया ठीक है इसको रन करते हैं Concatenated स्ट्रिंग ठीक है और ये क्या है सेपरेटर के हिसाब से बीच में क्या आ गया हाइफन आ चुका है ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इन्होंने दे रखा है फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या है ये देखो अगर सेपरेटर क्या है स्पेस है क्या स्पेस और क्या क्या ले रहा है एड्रेस पोस्टल कोड सिटी और यहां से कस्टमर से उठा रहा है, तो बीच में क्या कर रहा है वो स्पेस ऐड कर रहा है ठीक है देखो यहाँ पे क्या आ गया यहाँ स्पेस है यहाँ बर्लिन है चलो कुछ और देखते हैं स्टार देखते हैं स्टार मल्टीपल स्टार ठीक है कर दिया इन्होंने ये क्या है ये सेपरेटर ऐड कर दिया है ठीक है जितने भी एक्सप्रेशन है उनके बीच में अब बात आती है मैं आपको ये भी टेस्ट करके दिखा देता हूं एक बार अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा यहाँ पे कोई नल वैल्यू है नहीं तो हम अपने डेटाबेस में चलेंगे ठीक है माई एक्सल और मैं यहाँ पे एक बार एंटर कर लेता हूँ डेटाबेस का नाम शायद ठीक है आ, तो नाम भी ढंग से नहीं लिखा मैंने और इसमें ठीक कौन से थी। थी। हाँ पर्सनस है तो यहाँ पे देखते हैं एक बार और परसंस में एक बार इसका डेटा देख लेते हैं फ्राम uh, ठीक है ये डेटा है अब बात क्या है कि अगर मैं क्या लगाता हूँ फंक्शन लगाता हूँ कौन कैट अंडरस्कोर कौन सा फंक्शन डब्ल्यू एस और सबसे पहले पैरामीटर कौन सा है सबसे पहले पैरामीटर है जो हमारा जो हमने क्या लगाना है सेपरेटर लगाना है ठीक है सेपरेटर लगाना है तो ये क्या है मान लो मैंने इसको छोड़ दिया ब्लैंक चलो पहले एक बार सेपरेटर लगा के देखते हैं और कोमा और किस, -किस के हुए लास्ट नेम और कोमा फर्स्ट नेम ठीक है और कहा से फ्रॉम टेबल का नाम है परसन ये हो गया करे रन आ गया इन दोनों के बीच में सेपरेटर की वजह से आ चुका है अब बात आती है अगर मैं इसको क्या छोड़ दू बिल्कुल खाली छोड़ देता हूँ तो क्या आएगा सेपरेटर नहीं आ रहा ठीक है और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं तो देखते हैं क्या आता है ठीक है ये फर्स्ट क्या क्या आया आप थोड़ा सा अपने हिसाब से क्या करना है आपको ऐड करना है चीजें प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो कॉन्केट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस किया और लास्ट नेम किया हमने कॉमा फर्स्ट नेम और इसमें क्या आ गया जो हमारा दलाल था वो तो आया ही नहीं ठीक है अब देखते हैं जो भी एक्सप्रेशन अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या होना है वो तो कौन सबसे पहले सेपरेटर सेपरेटर के लिए मैंने अब बात आती है अगर कोई सा भी क्या है एक्सप्रेशन अगर हमने क्या कर दिया एक्सप्रेशन में हम करते हैं लास्ट वाला है, जो नल है उसकी जगह तो लास्ट कॉलम कौन सा है एड्रेस का है तो एड्रेस आप एक बार इसको देखो और यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ ना कुछ चलो तो क्या आता है इसको चेक करते हैं ठीक है नल है क्या हो गया स्किप हो गया ठीक है और सेम चीज है यहाँ पे क्या है नल यहाँ पे क्या है सेपरेटर नल था तो वो भी स्किप हो गया यहाँ पे एड्रेस है स्किप है तो ये भी स्किप हो गया तो वो लगेगा ही नहीं सेपरेटर क्या लगेगा ठीक है तो एज इट इज जो हमारा कॉनकेट अंडरस्कोर डब्ल्यू एस स्ट्रिंग फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है जब हमें सेपरेटर लगाने की जरूरत है दो एक्सप्रेशन के बीच में यही हमारा क्या था कॉनकेट अंडर स्कोर डब्ल्यू एस फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फील्ड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू